नमस्कार, सामाजिक विज्ञान फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था का पाठ 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि ये कंपनियां नए नए देशों में काम करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखती है तथा वह किस तरह व्यापार करती है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का दौर 1990 के दशक से शुरू हुआ। 1990 के पहले भारत एक बंद अर्थव्यवस्था था। बंद अर्थव्यवस्था में उत्पादन देश के सीमाओं के अंदर ही होते हैं और एक देश को दूसरे देश के अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक देश के अर्थव्यवस्था का दूसरे देश के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अर्थव्यवस्थाएं इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। बच्चों, आज जब हम बाज़ार में कुछ खरीदने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। इतने विकल्प होते हैं कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें। अब मोबाइल फ़ोन को ही देख लो, बाज़ारों में मोबाइल फ़ोन के कितने सारे मॉडल हैं और हर कुछ महीनों में नए मॉडल आते रहते हैं। इसका मुख्य कारण वैश्वीकरण ही है। बच्चों, अब ये जानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी होती क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। गूगल, मैकडी, एप्पल, टाटा, पेप्सी, अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक राष्ट्र में अपना उत्पादन बनाती है, दूसरे में भागों को इकट्ठा करती है और तीसरे में जाकर बेचती है, चौथे में बिक्री के बाकी सेवाओं का प्रबंध करती है। ये सब करने के दो फायदे हैं। पहला, उत्पादन लागत में कमी और दूसरा, अधिक लाभ उठाना। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक नए देश में स्थापना करने के पहले बहुत सारी बातों का ध्यान रखती है। पहली, कि वह स्थापना बाजार के नज़दीक करे। दूसरी, जहाँ कुशल और अकुशल श्रम कम लागत पर उपलब्ध हों। और तीसरी, कि सरकारी नीतियाँ उनके हित में हो। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करके ही बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। भूमि, भवन और अन्य उपकरणों के खरीद में की गई मुद्रा के व्यय को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां नए देश में तीन तरह से व्यापार कर सकती है। पहला तरीका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों के कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करें। ऐसे करने से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनी अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है, जैसे तीव्र उत्पादन के लिए
मशीनें खरीदना। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम तकनीक अपने साथ ला सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश का सबसे आम और दूसरा रास्ता है स्थानीय कंपनी को खरीदना। अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये आसानी से कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक बहुत बड़ी कंपनी कारगिल फूड्स ने परक फूड्स जैसी छोटी कंपनी को खरीद लिया। अब आते हैं तीसरे तरीके पे। इसमें विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे देश के उत्पादकों को उत्पादन ऑर्डर दे सकती है। ये अक्सर वस्त्र, जूते चप्पल एवं खेल के सामान में होता है। इसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन उत्पादन को अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। ऐसा करने से वे 100 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये में बेच सकती है। तो बच्चों, विदेशी निवेश से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को फ़ायदा हो सकता है। उत्पादक को ये फ़ायदा होता है कि वो दुनिया भर में अपने उत्पादन को बेच सकता है और अधिक लाभ उठा सकता है। उपभोक्ता को ये फ़ायदा मिलता है कि उसे बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं और अधिक विकल्प का लाभ भी उठाया जा सकता है। तो बच्चों, ये भाग अब यहीं समाप्त होता है। इस भाग में हमने सीखा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां नए नए देशों में काम करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखती है तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस तरह व्यापार करती है। अब हम मिलेंगे इसके दूसरे भाग में। तब तक बाय बाय।